हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का एक बार फिर से JINC इनर सिंह पे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सीक्रेट मिशन की, आज के एक और इम्पोर्टेंट सेशन की, और बात करेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट MCQs, द मेंस एग्ज़ाम सीरीज जो हम बात कर रहे हैं। मेंस के अंदर क्या स्पेशल होने वाला है उसकी हम बात कर रहे हैं, और उसी के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो आज हम बात करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और डिटेल में बात करेंगे आगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन की। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, स्वागत है सभी का JINC नर्सिंग पे। और शुरुआत करते हैं द जीरो लेवल MCQ सीरीज। सो आपके नोट सेट मेंस में आपको धमाकेदार सक्सेस करने के लिए हमने स्टार्ट करी थी, और उसी की बात हम कर रहे हैं पहले MCQ के साथ में। फर्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और उसके बाद उसका आंसर जो है आपको प्रोवाइड करना है। सो पहला MCQ आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है उसको पढ़े और आंसर्स पुट करें, क्या राइट आंसर होगा। पहला MCQ आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन के ऊपर आज के इस धमाकेदार सेशन का पहला MCQ क्या लिखा है उसको रीड करेंगे एंड आंसर स्पुट करेंगे, क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर वन क्या लिखा है, अ नर्स एडमिट अ क्लाइंट टू द हॉस्पिटल विथ अ सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ बुलिमिया नर्वोसा, पेशेंट इज सफरिंग विद द बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा की बात करें, इट इज अ टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। बुलिमिया नर्वोसा क्या है तो आंसर क्या होगा, बुलिमिया नर्वोसा इज अ टाइप ऑफ एन ईटिंग डिसऑर्डर। इट इज अ टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। विच lead to severe anxiety related to weight gain or obesity। जब हम बुलिमिया नर्वोसा की बात करते हैं तो पर्सन को यहाँ पे नॉर्मल एपेटाइट प्रेजेंट होता है, नॉर्मल एपेटाइट आपका प्रेजेंट होता है, पर्सन नॉर्मल फूड इनटेक करता है, नॉर्मल और समटाइम मोर देन नॉर्मल भी इनटेक कर लेता है, अच्छे से खाता है, नॉर्मली जितना खाना चाहिए उससे अच्छा ही खाता है, कम नहीं खाता है। सो नॉर्मली आपका इनटेक भी होता है। एंड उसके बाद जब हम बात करें यहाँ पे पर्सन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट की, कि पर्सन जब खाना खा लेता है आफ्टर दैट ही फील एंशियस। क्या एंजाइटी होती है कि नाउ ही बिकम ओबेस, अब उसको क्या लगता है, एंजाइटी लगती है। किसके रिगार्डिंग, ओबेसिटी के रिगार्डिंग। खाना खाने के बाद उसको लगता है कि अब मैं मोटा हो जाऊंगा। लाइक पर्सन ने खाना खा लिया और खाने के बाद अब उसको क्या लग रहा है कि अब मैं मोटा हो जाऊंगा, अब मेरा वजन बढ़ जाएगा। नाउ आई बिकम ए ओबेज पर्सन, मैं मोटा मोटा हो जाऊंगा, अब क्या करूंगा। सो उसकी एंजाइटी बढ़ती है, एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज एंजाइटी पर्सन विल ट्राई टू एक्सपेल आउट द फूड जो उसने खाया था। पर्सन क्या करता है, जो उसको एंजाइटी हो रही है खाने की वजह से मैं मोटा हो जाऊंगा, उसको डिक्रीज करने के लिए उसने जो खाना खाया उसको क्या करेगा, बाहर निकालने की कोशिश करेगा। लाइक पर्सन यहाँ पे क्या करेगा, वोमिटिंग करेगा। पर्सन यहाँ पे इनेमा लगा के डायरिया कराएगा। पर्सन यहाँ पे लैक्सेटिव यूज कर सकता है डायरिया के लिए। उसके अलावा डायूरेटिक यूज करके वाटर लॉस कराएगा, और उससे उसका क्या हो सकता है,
वेट डिक्रीज हो सकता है। सो पर्सन पहले तो बहुत अच्छे से खाता है, खाने के बाद उसको लगता है अब मोटा हो जाऊंगा मैं, अब क्या करें, मोटा हो जाऊंगा मैं, अब क्या होगा, एंजाइटी का लेवल बहुत बढ़ गया, टेंशन बहुत सारी आ गई माइंड में कि भाई मैं मोटा हो जाऊंगा, अरे अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो एक ही तरीका है, बाहर निकालो। सो जब पर्सन बहुत ज़्यादा खाना एक साथ ईट करता है उसको हम बोलते हैं बिंज ईटिंग। व्हेन यू आर ईटिंग अ लोट ऑफ फूड, एक बार में आप खाना खा रहे हैं बहुत सारा, दैट इज नोन एज बिंज ईटिंग। एंड व्हेन वी आर और व्हेन यू आर और व्हेन एनीवन एक्सपेल आउट द फूड फ्रॉम बॉडी, जब बॉडी से आप फूड को बाहर निकालते हैं, इट मे बी आइदर थ्रू द ओरल रूट, इट मे बी आइदर थ्रू द रेक्टल रूट और इट मे बी थ्रू द अदर एनी रूट, यू आर लूजिंग द फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, दैट इज नोन एज पर्ज सिंड्रोम, दैट इज नोन एज पर्जिंग। पर्जिंग का मीन्स बाहर निकालना, मे बी ऊपर से, मे बी नीचे से, कैसे भी करके फूड को बाहर निकालते उसको हम क्या बोलते हैं, पर्जिंग। सो बिंज पर्ज सिंड्रोम आपको कॉमनली मिलता है किस डिसऑर्डर में, बुलिमिया नर्वोसा में। पर्सन जब बार बार वोमिटिंग करेगा तो उसकी वजह से आपके पर्सन के अंदर माउथ के अंदर आप देखेंगे तो टूथ के ऊपर जो आपके फूड मटेरियल्स है वो चिपक जाएंगे, येलो येलो डिसकलरेशन हो जाएगा, इसोफेजियल वेरिसेज हो जाएंगे, क्योंकि स्टमक एसिड जो है वो क्या कर सकता है, आपके पेशेंट के अंदर इसोफेगस को डैमेज कर सकता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीजेज आपको देखने को मिल सकती है। ये सारे के सारे सिम्टम्स और कंडीशंस आपको इस पेशेंट में प्रेजेंट देखने को मिलेगी जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो इस पेशेंट में आपसे पूछा है कि व्हेन परफॉर्मिंग द एडमिशन असेसमेंट द नर्स एलिशिएट डाटा नोविंग दैट द क्लाइंट विथ बुलिमिया, पेशेंट जो बुलिमिया का होगा उसमें क्या देखने को मिलेगा, ये हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बिंज ईट देन पर्ज, ऑप्शन नंबर बी इज एक्सेप्टिंग ऑफ बॉडी साइज, पर्सन नॉट एक्सेप्टिंग द बॉडी साइज, पर्सन इज सेइंग दैट कि माय बॉडी साइज नॉट गुड, आई एम सो ओबेज, इवन द वेट इज इवन द नॉर्मल वेट, बट स्टिल पर्सन को लगता है मैं तो बहुत मोटा हूँ, आई एम वेरी वेरी हेल्दी एंड ओबेज पर्सन, आई हैव टू लूज माई वेट। देन ऑप्शन नंबर सी ओवर ईट फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ ईटिंग फूड, नो, ओवर ईट इन रेस्पॉन्स टू लूजिंग कंट्रोल ऑफ डाइट, नो, राइट आंसर क्या है, ए, पर्सन बींस ईट यानी बहुत ज़्यादा खाना और उसके बाद परजेज यानी बाहर निकालना, खाना निकालना, खाना निकालना, खाना निकालना, खाना निकालना चलता रहेगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, बुलिमिया नर्वोसा। इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जो एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। बिंज ईटिंग फॉलोड बाई पर्जिंग सिंड्रोम प्रेजेंट इन विच डिजीज, बुलिमिया नर्वोसा में आपको ये देखने को मिलता है, दिस इज द कंडीशन विच इज वेरी कॉमनली प्रेजेंट इन बुलिमिया नर्वोसा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट आंसर, राइट हो गया आपका ए इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर वन क्लियर हो गया सभी को, अरे क्लियर हो गया सभी को, राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन, राइट आंसर इज ए बिंज ईट पर्जिंग सिंड्रोम, ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू, रीड करेंगे क्वेश्चन को और आंसर्स पुट करेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है, समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स देना है आपको।
सो यहाँ पे क्या लिखा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा उसको देखते हैं और आंसर समझते हैं, राइट आंसर क्या होना चाहिए। अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं आपके, अलग अलग आपके कंडीशंस यहाँ देखने को मिल रही है। किसी का आंसर ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है और किसी का सी आ रहा है, और कुछ आंसर देना नहीं चाह रहे हैं। सो ऐसा तो हमें नहीं करना है, ये क्वेश्चन के साथ धोखा हो जाता है, उसका अपमान नहीं करना है। आंसर ना देखें, उसका रेस्पेक्ट करना है, और आंसर तो बिल्कुल चाहिए हमें, और आंसर भी राइट चाहिए, क्योंकि अब हम बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं, सामने हमारे नोट सेट खड़ा है और हम उसके जस्ट सामने खड़े हैं। नोट सेट बोल रहा है पकड़ मुझे, आप बोल रहे हो रुक तू जरा, मैं अभी आई। सो बिल्कुल वही चल रहा है, चूहे बिल्ली वाला खेल, एक दूसरे के पीछे भागे जा रहे हैं। अब आंसर क्या होगा उसकी हम बात करते हैं और समझते हैं राइट आंसर क्या होना चाहिए इस एमसीक्यू का, जो सबसे ईजी एमसीक्यू है। सो द नर्स असेसेस अ पेरिफेरल आईवी ड्रेसिंग एंड नॉट दैट इट इज डंप। डंप का मतलब बाहर निकल गई है, निकली हुई है। ड्रेसिंग क्या हो रही है, डंप हो रही है, मतलब बाहर निकली हुई है। एंड द टेप इज लूज, लूज हो गई है, डंप हो गई है, खराब हो गई है ड्रेसिंग। आप यहाँ पे क्या करोगे, द बेस्ट नर्सिंग एक्शन इज टू, एज ए नर्स आपकी यहाँ पे क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर बात करी गई है ड्रेसिंग ओनली, नॉट अबाउट द आईवी लाइन। आईवी लाइन इन्फिल्ट्रेट कर गया है, आईवी लाइन इज हैविंग फ्लेबाइटिस और रेडनेस और वार्मनेस, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्वेलिंग कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे बात किसकी करी गई है, सिर्फ ड्रेसिंग की बात करी गई है। और जब वो सिर्फ ड्रेसिंग की बात कर रहा है तो आपको भी सिर्फ ड्रेसिंग ही पढ़ना है, आपको अपना एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना है। इफ यू आर यूजिंग योर एक्स्ट्रा माइंड दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन एग्जाम, सो हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है वहाँ पे। सो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या लिखा है कि जब आपकी ड्रेसिंग खराब हो जाती है, टेप खराब हो जाती है, ड्रेसिंग खराब हो जाती है, तो एज ए नर्स जो हमारी प्रायोरिटी होती है कि ड्रेसिंग खराब हो गई है तो वापस क्या करो, ड्रेसिंग को नहीं लगा दो भाई, ड्रेसिंग को क्या कर दो, नहीं लगा दो, खराब हो गई तो चेंज कर दो, हटाओ नहीं लगाओ, ओके हो गया वापस रेडी। सो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली, भाई साहब कोई इन्फिल्ट्रेशन या फ्लेबाइटिस नहीं हुआ जो स्टॉप करना है, नहीं करना है। बी अप्लाई स्टराइल ऑक्लूजिव ड्रेसिंग, सी एंश्योर टाइट आईवी ट्यूबिंग कनेक्शन, और ऑप्शन डी रिमूव द आईवी एंड इंसर्ट ए न्यू, क्यों भाई कैनुला आउट थोड़ा हुआ है। राइट आंसर क्या है, उसके ऊपर नई ड्रेसिंग लगा दो वापस, जब पुरानी ड्रेसिंग खराब हो गई तो वापस क्या लगा दो, उसके ऊपर नया ड्रेसिंग लगा दो। वही तो हम करते आते हैं इतने दिन से, और वही तो करना है जो आप हॉस्पिटल में करते हो, पुरानी वाली खराब हो गई तो हटा के साफ करके बिल्कुल केनुला को हिलाते नहीं है, बिल्कुल ऐसे करके रख के वापस नहीं लगा के ऐसा बनाते हैं और अगले वाले स्टाफ को ऐसा हैंड ओवर देते हैं कि मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही लगाया है, क्या लगाया ये नहीं बोलते हैं, वो सोचते हैं अच्छा केनुला लगाया होगा, ये नहीं कहते कि नहीं मैंने टेगाडम ही लगाया था, बस मैंने थोड़ी देर पहले ही लगाया, वो भी देखता है अच्छा काम तो करता है यार केनुला वापस लगाया इसने। सो ध्यान रखें यहाँ पे कि जब भी हम पेशेंट के अंदर आईवी केनुला की बात करते हैं और उसमें केनुला अगर आउट हो जाता है, इनफिल्ट्रेट कर जाता है या फ्लेबाइटिस के सिम्टम्स आते हैं, देन यू हैव टू स्टॉप द आईवी फ्लूड इमीडिएटली, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, नई साइट पे लगाना है, वो होता है इनफिल्ट्रेशन या फ्लेबाइटिस। लेकिन इनकेस ऑफ इफ द ओनली ड्रेसिंग इज नॉट इंटैक्ट, ड्रेसिंग इंटैक्ट नहीं है, ड्रेसिंग खराब हो गई है, ब्लड लग गया है उसमें, प्रॉब्लम हो रही है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे निकालना है, साफ करना है, इंटेलिजेंटली वर्क करना है, नई ड्रेसिंग लगा के बोल देना है अभी लगाया थोड़ी देर पहले ही, बस क्या लगाया, डोंट टेल देम, वो समझ जाएगा अभी ही लगाया था बस थोड़ी देर पहले ही मैंने। सो दिस इज द पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज द बी इज राइट आंसर, अप्लाई ए स्टराइल ऑक्लूजिव ड्रेसिंग टू द पेशेंट, दैट इज द राइट आंसर। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, अप्लाई ए स्टराइल ऑक्लूजिव ड्रेसिंग। सो सॉरी ये यहाँ पे गलत लिखा है, इसके अंदर गलत
टाइप हो गया है बाई मिस्टेक, आंसर क्या राइट होगा? बी इज द राइट आंसर, मैंने ही टाइप किया था ये, और इट वॉज बाई मिस्टेकली रॉन्ग टाइप सी, द राइट आंसर इज बी नॉट द सी, बी इज द राइट आंसर नॉट द सी वन. नेक्स्ट अगला एमसीक्यू आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट एमसीक्यू जिसको आप रीड करेंगे और आंसर्स पुट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपकी स्क्रीन के ऊपर. नेक्स्ट एमसीक्यू ऑन योर स्क्रीन, क्या लिखा है, आंसर्स पुट करेंगे. हमारे इस सीक्रेट मिशंस का कुछ कुछ जगह पे थोड़ा थोड़ा सा लीकेज आउट हो गया है ऐसा लगता है, और कुछ कुछ लोग जो है इसको देखते हैं कहीं कहीं से. सो बिल्कुल ये सीक्रेट मिशन सीक्रेट रखना है 7 तारीख तक. अरे किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे प्री की क्लास चल रही है या मेंस की चल रही है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर आवर मेंस एग्जाम एंड इट शुड नॉट बी इन्फॉर्म टू एनीवन. किसी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मेंस की क्लास हो रही है प्री के अंदर. ऊपर कुछ और, दिखाने के हाथी के दांत अलग और खाने के अलग, ऐसा वाला किसी को पता ना चले. और अगले एमसीक्यू पे आ जाएं, क्या लिखा है और रीड करें और आंसर दे दें जल्दी से. सो क्या लिखा है यहां पे और बात करते हैं इसकी क्या राइट आंसर होगा. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द नर्स असिस्ट द फिजिशियन विद द रिमूवल ऑफ अ चेस्ट ट्यूब. यहां पे आप क्या रिमूव करने जा रहे हैं, पेशेंट का चेस्ट ट्यूब रिमूव करने जा रहे हैं. ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ द चेस्ट ट्यूब द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग. क्या आप पेशेंट को बोलेंगे जब आप पेशेंट के अंदर हम क्या करें, पेशेंट के अंदर जो है आपका चेस्ट ट्यूब आप रिमूव करते हैं तो पेशेंट को क्या यहां पे एडवाइस करना है. अरे दिखती है संध्या, पर इतने इंटेलिजेंट नहीं है हमारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. उनको अगर प्री लिखा हुआ है तो उनको लगता है कि ये प्री की क्लास है, उनको ये समझ नहीं आता कि नर्सिंग की क्लास है. वो तो यही समझते हो अच्छा ये तो प्री नोट सेट किया है, इसको क्या पढ़ना है, हमें तो मेंस की क्लास पढ़ना है जिसके अंदर ये पढ़ाया जाए कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं और उसमें आपको आंसर्स पूछा जाए 1 2 3 4. आंसर होगा 4, डी इज द राइट आंसर, सबका राइट आंसर. सो ऐसी क्लास होती है मेंस वाली. तो याद रखें यूट्यूब के भरोसे जो भी जी रहे हैं, सिर्फ YouTube के भरोसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है. और जो भी ये YouTube के भरोसे हैं, जो यूट्यूबर हैं उनसे पूछें कि कितने सिलेक्शन आज दिन तक करवा दिए उन्होंने YouTube के भरोसे. इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ YouTube के भरोसे नहीं रहना है, आज ही JINC जोधपुर ऐप डाउनलोड करना है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और अवेलेबल वेरियस कोर्सेज के साथ साथ में अपनी तैयारी को 100% सख्त बिल्कुल प्रिपेयर करके रेडी होना है. सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के भरोसे सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा याद रखेंगे. एग्जाम अगर फाइट करना है तो पढ़ना पड़ेगा थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों. थ्योरी हम आपको पढ़ाते हैं जब हम बैचेस पढ़ाते हैं, YouTube की बात करें तो यहाँ पे हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं, और सिर्फ MCQ प्रैक्टिस से सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा. आपको क्या करना होगा, आपको अपना बोरी बिस्तर उठाना है और लादना है कंधे पे और पहुँच जाना है JINC गुरुकुल भगत की कोठी जोधपुर, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, बाय साइकिल, बाय एरोप्लेन, और जो भी स्कूटर मोटरसाइकिल कार जो भी है उससे आ जाना है. बिल्कुल मेडिकल वर्ल्ड अभी अगली स्लाइड पे आपको बताएंगे पूरा ऑफलाइन कोर्स के बारे में, थोड़ा वेट करें अगली स्लाइड पे हम बात करेंगे इसके बारे में. तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की, चेस्ट ट्यूब आपने इंसर्ट करी है तो हमें पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करना है.
यू हैव टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू परफॉर्म वाल्सल्वा मेन्यूवर। क्या करवाना है? वाल्सल्वा करवाना है। अब वाल्सल्वा क्या होता है और वाल्सल्वा कैसे करवाते हैं, कैसे इसको कराया जाता है, उसकी अगर हम बात करें वाल्सल्वा मेन्यूवर। वाल्सल्वा मेन्यूवर जो है वो करना होता है, आपके पेशेंट को बोलना है, डीप ब्रीथ करना है, बाहर निकालना है और होल्ड करके रखना है और उसको अंदर की तरफ खींच के बियर डाउन करना है। दैट इज द वाल्सल्वा मेन्यूवर। सो वाल्सल्वा मेन्यूवर किस में हो रहा है? ब्रीथ इन डीपली, सिर्फ डीप ब्रीथ वाल्सल्वा मेन्यूवर नहीं होता है। ब्रीथ नॉर्मली वाल्सल्वा नहीं होता है। ब्रीथ आउट फोर्सफुली वाल्सल्वा नहीं होता है। वाल्सल्वा क्या होता है? डीप ब्रीथ करना है, उसके बाद एक्सहेल करके उसको बियर डाउन अंदर की तरफ होल्ड करके ऐसे रखना है अंदर, ये होल्ड करके रखना है अंदर, ये तब क्या होगा? वाल्सल्वा होगा। सो आपको क्या करना है? वाल्सल्वा मेन्यूवर करना है। डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। यू शुड परफॉर्म द वाल्सल्वा मेन्यूवर और उसी के बाद आपको क्या करना है, ट्यूब को जो है आउट करना है, इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई इस तरह से आपको डीप ब्रीथ करके एयर को बाहर निकाल के जो अंदर एब्डोमन अंदर जाता है उसको होल्ड करके आपको क्या करना है, बियर डाउन इफेक्ट करना है। दैट इज द वाल्सल्वा मेन्यूवर। डी इज द राइट आंसर। एक और अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, धमाकेदार क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम से। क्या है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम? इसकी पूरी परतें खोल दें और आंसर्स बता दें क्विकली, क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है और जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अरे संभल के चल, मिला है हुस्न तो इसकी हिफाजत कर। क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि मिला है हुस्न तो इसकी हिफाजत कर, अरे संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है। सो बिल्कुल, सारा जहान हमें देखता है कि जे आई एन सी वाले क्या कर रहे हैं और हमें बहुत संभल के चलना होता है, बहुत संभल के सोच समझ के करना होता है, क्योंकि सारे जहां को कॉपी एंड पेस्ट हम ही करवा रहे हैं। यहीं से कॉपी एंड पेस्ट करने का आपको बेनिफिट मिल रहा है, हर जगह कॉपी पेस्ट यही छाया हुआ है। तो संभल के चलना है, हम जे आई एन सी एन है और हमें इस चीज़ को प्राउडली बता के रखना है सबको। वी आर द जे आई एन सी एन प्राउडली। आप अचीवर्स बेस देखेंगे, आप लोग ऑनलाइन वाले यहाँ नहीं रीच हो सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे एक ऑफलाइन बेच में से कितने बच्चे जो क्वालिफाई करके अचीवर्स बेच की क्लासेज अटेंड कर रहे हैं। सो दिस इज द रिजल्ट जो आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है जो आपको देखने को मिलेगा, और वो रिजल्ट सिर्फ यूट्यूब से नहीं आता है, रिजल्ट जो आपको मिलेगा उसकी अगर हम बात करें तो वो रिजल्ट आपको मिलेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो मिलेगा आपके पूरे मेहनत से, आपकी दोनों तरीके से। जब आप मेहनत करोगे, जब आप अपना शिद्दत के साथ ऑफलाइन स्टडीज या ऑनलाइन स्टडीज करेंगे और उसके साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो बिल्कुल आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। सो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? ए नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर ए क्लाइंट विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। द नर्स असेसेस विच इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑन ए डेली बेसिस, एंड द ऑप्शंस नंबर ए वेट, ऑप्शन नंबर बी एल्बुमिन लेवल, ऑप्शन नंबर सी एक्टिविटी टॉलरेंस और ऑप्शन नंबर डी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात करें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जहाँ पे पेशेंट को हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन यूरिया, हाई अमाउंट ऑफ एल्बुमिनियम यूरिया आप बोल सकते हैं उसको देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ में
बहुत सारा प्रोटीन लॉस हो जाता है, और जब बहुत सारा प्रोटीन लॉस होता है उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से सीवियर इडिमा आपको मिलता है, हाई अमाउंट ऑफ लिपिड प्रोडक्शन आपको बॉडी में देखने को मिलता है, एंड उसकी वजह से पेशेंट NSR का स्थूल कैसा हो जाता है। तो अब इस पेशेंट में आपको डेली बेसिस पे द नर्स असेस विच इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑन अ डेली बेसिस, क्या आपको करना है। सो इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी इजी टू गिव द आंसर, बिकॉज राइट आंसर इज द राइट आंसर, दैट इज वेट इज द राइट आंसर। जब पेशेंट में बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूड बढ़ेगा, किड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बॉडी फ्लूड इज इंक्रीजिंग सीवियरली, एंड ड्यू टू दैट पेशेंट इज गेनिंग वेट डे बाई डे, और उससे पर्सन मोटा हो जाएगा, उसके आपको पता लगाएगा किससे, वेट से। एल्बुमिन लेवल इज नॉट एन पैरामीटर विच वी चेक इन पेशेंट विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वी विल नॉट गो फॉर दीज लेवल। हम पहले किसके साथ जाते हैं, वेट के साथ। अगर वेट आपका डिक्रीज हो रहा है मतलब पेशेंट रिकवर हो रहा है, वेट इंक्रीज हो रहा है मीन्स पेशेंट कंडीशन इज सीवियरली डिक्रीजिंग, पेशेंट की कंडीशन सीवियर डिक्रीज हो रही है अगर आपका वेट डिक्रीज हो रहा है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस MCQ इज ए इज द राइट आंसर, जो आपको यहाँ माइंड में रखना है, कीप इन योर माइंड की यू शुड असेस वेट पैरामीटर इन पेशेंट विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नाउ दिस इज द फोर्थ लाइव बैच कंप्लीट थ्योरी, सिक्स्थ एंड सेवन्थ NORSET की तैयारी के लिए लाइव क्लासेज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 15th of October। ये जो बैच स्टार्ट होगा दिस इज लाइव फ्रॉम स्टूडियो, याद रखें ये जो बैच होगा दिस इज लाइव फ्रॉम स्टूडियो, एंड वी हैव अ बैच विच इज लाइव फ्रॉम क्लासरूम आल्सो। तो आपके पास दो लाइव बैच अवेलेबल है, एक बैच जो आपका स्टूडियो से लाइव होगा और दूसरा बैच जो आपका क्लासरूम से लाइव होगा। द फर्स्ट थिंग जो हमेशा ध्यान रखें, द बेस्ट वे टू स्टडी दैट इज ऑफलाइन स्टडीज, आप ऑफलाइन ज्वाइन करें सबसे बेस्ट होता है। इफ़ ऑफलाइन स्टडीज में आना पॉसिबल किसी वजह से नहीं हो पाता है, बहुत कुछ कोशिश करने के बाद में भी अगर ऑफलाइन में पहुंच पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, इन दैट केस हम वहां पे क्या करेंगे, हम उस कंडीशन में लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच जो हमारा अवेलेबल है वो बैच आप आज ही बाई कर सकते हैं। लाइव फ्रॉम क्लासरूम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। Now, if you are not able to buy the live from classroom batch, then we have this is the new batch जो हम बात कर रहे हैं, and this is the fourth live batch, it is live from the studio। जैसे अभी क्लास चल रही है जो आपको अभी दिख रहा है वैसा ही स्टूडियो से, यही जो क्लास है इसी स्टूडियो से लाइव होगी, बस ये यूट्यूब पे ना होके आपके ऐप के अंदर लाइव आपको मिलेगी। सो लाइव फ्रॉम स्टूडियो होगी, और लाइव फ्रॉम स्टूडियो वाली क्लास आप वॉच कर पाएंगे, इसी तरह से क्लास चलेगा। वन क्लास विच इज़ फ्रॉम द लाइव फ्रॉम क्लासरूम, दैट इज़ द रियल फीलिंग ऑफ ऑफलाइन, साथ में टेस्ट होगा, साथ में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, एवरीथिंग विल बी विद देम, जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बैठे हैं उन्हीं के साथ सारी एक्टिविटी आप करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ पाएंगे, और यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन मोर स्टूडियो में ज़्यादा देखने को मिलेगा कम्पेयर टू टू वे कम्युनिकेशन, एंड साथ साथ में आपको टॉपिक वाइज जो आपने सब्जेक्ट वाइज जो हम बात करें टेस्ट पेपर अपलोड होंगे, और उनका आप आंसर अपने हिसाब से देंगे, उसके अंदर कोई आपके ऊपर किसी भी तरह का आपको जो है बाउंडेशन नहीं होगा कि आप टेस्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो आपकी इच्छा होगी इस लाइव बैच के अंदर। सो आपकी चॉइस है, बाय करें आज ही और अपना रजिस्ट्रेशन करें, और आने वाले NORSET के लिए अपनी तैयारी को बेस्ट करें। आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला MCQ जिसको आप पढ़ेंगे और आंसर पुट करेंगे, क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट MCQ ऑन योर स्क्रीन, रीड द क्वेश्चन and give the answer, what will be the right answer। श्वेता सिंह, जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके अंदर नंबर ऑफ बेड जो है वो होना मस्ट होता है। सो आप जहां का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वहां से आप उसको वापस बनवाएं, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, बेड मेंशन करवाना है आपको। सो आप फिर से जाएं उनके पास और बेड को मेंशन करवा के नया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इश्यू करवाएं जहां से आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया है। सो आप न्यू एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी करवा लें जहां से आपने एक्सपीरियंस लिया है सर्टिफिकेट, उसी सर्टिफिकेट के अंदर
नया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनवा लें। अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे और आंसर्स पुट करेंगे, क्या राइट आंसर होगा। सो क्या लिखा हुआ है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे अ क्लाइंट इज बीइंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद अ डायग्नोसिस ऑफ यूरोलिथियासिस एंड यूरिथ्रल कॉलिक, यूरोलिथियासिस एंड यूरिथ्रल कॉलिक, डायग्नोसिस ऑफ यूरोलिथियासिस एंड यूरिथ्रल कॉलिक मीन्स यूरोलिथियासिस यानी यूरिनरी सिस्टम में आपका स्टोन बन गया है एंड यूरिथ्रल सिस्टम जो आपका यूरेटर है उसके अंदर क्या हो गया कॉलिक यानी नेरोविंग हो गया है। द नर्स असेसिंग द क्लाइंट फॉर द पेन दैट इज, दर्द जो होगा पेशेंट को वो किस टाइप का पेन होगा ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। टाइप ऑफ पेन आपसे पूछ रहा है ये कि कौन से टाइप का पर्सन को यहाँ पेन देखने को मिलेगा। सो पेन की अगर हम बात करें यहाँ पेन किस टाइप का पेन आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो आपसे पूछा गया यहाँ पे। सो पेन की बात करें जब आपका यूरोलिथियासिस और यूरिथ्रल कॉलिक पेन होता है इस कंडीशन में जो दर्द होता है उसकी अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट इट इज वेरी सीवियर पेन, सीवियर पेन होता है। सेकंड थिंग इट इज कोलिक इन नेचर, पेन का नेचर कैसा होता है कोलिक ही पेन होता है एंड ये पेन कंटिन्यूस नहीं होता, इट विल बी इंटरमिटेंट पेन। बिल्कुल ऑफलाइन बेच की आप 2 मिनट वेट करें उसका भी पूरा डिटेल बताएंगे, मेडिकल वर्ल्ड 2 मिनट आप वेट करें जब हम बात करेंगे उसके बारे में भी, उसका एड भी अभी आएगा जो मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है उसी के बारे में हम अभी बात करेंगे और उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। सो कोलिक इन नेचर पेन होगा पेशेंट को, सीवियर पेन होगा और इंटरमिटेंटली ये पेन होगा जब आपका स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन, ये आपका यूरेटर है जैसे स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन करेगा सीवियर पेन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव होगा पेन डिक्रीज हो जाएगा एंड कोली की पेन का जो नेचर होता है वो ऐसे होता है सीवियर होता है फिर कम हो जाता है, सीवियर कम सीवियर हो जाता है कम हो जाता है सीवियर कम, इस तरह का दर्द होता है इसको बोलते हैं कोली की पेन। व्हेन यू हैविंग ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिथ्रल और एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इट विल कोज सीवियर पेन एंड जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन आपका डिक्रीज हो जाएगा या हट जाएगा इट विल बी रिलीज्ड, रिलीव हो जाएगा पेन आपका। So, यहाँ पे कौन सा पेन होगा वो हम देखते हैं जो आपकी बात करते हैं। डल एंड एकिंग इन द कोस्टो वर्टिब्रल एरिया, सो डल पेन नहीं होता है ये आप हटा दें। एकिंग एंड क्रैम्प लाइक थ्रो आउट द एब्डोमन बात कर रहे हैं और क्रैम्पिंग लाइक पेन होता है ऐसा नहीं होता है। शार्प एंड रेडिएटिंग पोस्टरली टू द स्पाइनल कोल एंड एक्सक्रूसिएटिंग वेव लाइक रेडिएटिंग टू वार्ड द जेनाइटल्स, जो अभी मैंने बताया दिख रहा है वेव जैसा ये ऊपर नीचे वेव लाइक पेन हो रहा है एंड बहुत ही एक्सक्रूसिएटिंग बहुत सीवियर पेन होगा और ये जेनाइटल की तरफ नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाएगा क्योंकि यूरेटर में पेन हो रहा है तो नीचे की तरफ जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन ही है, इनमें कोई मेंस का ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर द बेसिक क्वेश्चन बट आपको लगते हैं बहुत बड़े क्वेश्चन है, अरे ये बेसिक ही है, सिंपल से एमसीक्यू हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, अगर इनको थोड़ा सा केयरफुली पढ़ोगे तो सब आता है बट हम लोग केयरफुली ध्यान देते नहीं है। क्लियर लिखा हुआ है वेव लाइक पेन और वेव लाइक पेन होता है कोलिकी पेन होता है इस तरह का वेव लाइक पेन जो मैंने अच्छे से पढ़ाया यूरिनरी सिस्टम में और आंसर भी राइट हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा तो आंसर होगा डी इज द राइट आंसर।
सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर आपका यहां पे होगा दैट इज द एक्सक्रूसिएटिंग वेव लाइक रेडिएटिंग पेन आपको यहां मिलेगा. डी इज द राइट आंसर. करेक्ट आंसर इज द डी इज द राइट आंसर दैट इज कोलिकी इन द नेचर. कोलिकी इन द नेचर जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक्सक्रूसिएटिंग वेव लाइक रेडिएटिंग टुवर्ड द जेनाइटेलिया. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट एमसीक्यू ऑन योर स्क्रीन. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड प्रोवाइड द आंसर व्हाट विल बी द राइट आंसर. Pain is not radiating towards the costovertebral region. Pain is present in costovertebral region. Pain जो है वो costovertebral region में present होता है और वो होता है kidney disease के अंदर. और costovertebral region से radiate होना start होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई ऐसा organ नहीं जो costovertebral angle में आपका pain लेके आएगा. So costovertebral area में आपका present होता है kidney और वहाँ से क्या होता है pain आपका radiate होके किसकी तरफ जाता है toward the it will radiate and will go toward the किसकी तरफ जाएगा ये आपका आंसर होगा it will go toward the lower part of the body. next MCQ the nurse admit a client who is in sickle cell crisis. Patient is under the sickle cell anemia नहीं है, it is the sickle cell crisis. Person के अंदर sickle cell crisis present है जिसकी हम बात कर रहे हैं. Person is suffering with the severe level of crisis, sickle cell crisis. So sickle cell crisis हो जाएगा. RBC का shape कैसा हो जाता है? RBC will be like this. Sickle shape RBC हो जाएगी. ऐसी RBC हो जाती है. This is the sickle shape of RBC. And when there will be sickle shape of RBC, बिल्कुल. सो अगर हम बात करें इस पेशेंट में सिकल सेल क्राइसिस वाले पेशेंट के अंदर, सो सिकल सेल क्राइसिस के पेशेंट में अगर आप बात करोगे तो आरबीसी का शेप कैसा हो गया? सिकल शेप हो गया. और जब आरबीसी आपकी सिकल शेप हो जाती है तो पेशेंट के अंदर जो आपका आरबीसी जो आप गई ऑक्सीजन को कैरिंग कैपेसिटी वाली आरबीसी और डिक्रीज हो जाएगी. सो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ओ टू कैपेसिटी या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज. एंड जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो आपके पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला आरबीसी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो बॉडी के अंदर सीवियरली क्या हो जाएगा? पर्सन विल हैव द डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. पेशेंट में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा. एंड ऑक्सीजन नहीं होगा, पर्सन विल हैव द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सीवियर टाइप ऑफ पेशेंट को प्रॉब्लम यहां पे देखने को मिलेगी. सो अगर हम बात करें यहाँ पे पहली प्रायोरिटी की, सो अकॉर्डिंग टू यू पीपल आप लोग जो आंसर्स देने की कोशिश कर रहे हैं वो दे रहे हैं आप फ्लूड वॉल्यूम, आप पहली प्रायोरिटी पे जा रहे हैं कि सबसे पहले हम फ्लूड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे एंड उसके बाद ऑक्सीजन पे जाएंगे. तो आपका आंसर्स गलत है, ये भी गलत हैं और ये भी गलत हैं. हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है? हमें पेशेंट को पहले ऑक्सीजन देना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी. यू हैव टू ऑक्सीजन टू द पेशेंट, दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. बिल्कुल प्रगति. व्हेन पर्सन इज हैविंग विनो ऑक्लूसिव प्रॉब्लम, व्हेन पर्सन इज हैविंग एनी टाइप ऑफ विनो ऑक्लूसिव प्रॉब्लम एट दैट टाइम यू विल गिव द फ्लूड एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट. इन अदर कंडीशन आवर फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन पर्सन इज अंडर द क्राइसिस स्टेट द राइट आंसर शुड बी सी इज द राइट आंसर नॉट द बी. पेशेंट इज अंडर द सिकल सेल क्राइसिस एंड पर्सन इज हैविंग सीवियर डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, ऑक्सीजन है ही नहीं एंड यू आर गिविंग आईवी फ्लूड टू द पेशेंट. सो आईवी फ्लूड विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड
बट इट विल नॉट इंक्रीज द आरबीसी, इट विल नॉट इंक्रीज द सर्कुलेटिंग आरबीसी विच कैरी द ऑक्सीजन टू द पेशेंट टिश्यू। सो आपको यहाँ पे आंसर्स क्या देना है कि क्राइसिस हो गया मतलब पहले ऑक्सीजन चाहिए पेशेंट को, हम अगर आईवी फ्लूड देंगे तो और ज़्यादा हीमोडायलिसिस होगा और ज़्यादा आपका आरबीसी का लेवल कंसंट्रेशन देखेंगे तो कम हो जाएगा। सो ऑक्लूजिव प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी इन दिस क्वेश्चन, दैट मे बी सम डिफरेंट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन हो सकता है, दैट मे बी सम डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है जो अपन बात कर रहे हैं। वन इज द वीनो ऑक्लूजिव क्राइसिस, इफ देयर अगर वीनस ऑक्लूजन हो रहा है देन इन इट इन दैट कंडीशन आवर प्रायोरिटी इज फ्लूड एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट प्रायोरिटी। बट जब हम बात करते हैं सिकल सेल क्राइसिस की जहाँ पे कोई वीनो ऑक्लूजन नहीं लिखा हुआ है तो पहली प्रायोरिटी ऑक्सीजन आपको यहाँ देनी है। राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर, एंड हमेशा ध्यान रखें ऑक्सीजन हमारी लाइफ की पहली प्रायोरिटी है, एयरवे सांस ऑक्सीजन हर जगह पहली प्रायोरिटी होती है हमारी, ये आपको ध्यान रखना है। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज शुड बी द राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर, यू शुड गिव द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इज सी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू, अगले एमसीक्यू, ये तो सेम क्वेश्चन है, दिस इज द सेम एमसीक्यू। सो अगला एमसीक्यू आपके स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे और आंसर्स पुट करेंगे क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां क्राइसिस नहीं था बिल्कुल। अरे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है, हर एक क्वेश्चन में एक सिंगल वर्ड आंसर चेंज कर सकता है। सो क्राइसिस नहीं है, वो अलग कंडीशन है, ओनली सिकल सेल एनीमिया है और सिकल सेल क्राइसिस है, दोनों बहुत डिफरेंट कंडीशन है। पर्सन इज हैविंग सिकल सेल क्राइसिस और सिकल सेल एनीमिया, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, एक सिंगल वर्ड पूरा आंसर चेंज कर देता है। सो आप क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ें और क्वेश्चन को केयरफुली समझें कि उस क्वेश्चन में क्या था इस क्वेश्चन में क्या है। सो एनीमिया इज द डिफरेंट कंडीशन, एनीमिया हुआ है मतलब पेशेंट को कोई इश्यू नहीं है, लेकिन क्राइसिस हो गया मतलब पेशेंट में ऑक्सीजन नहीं है, आपको पहले ऑक्सीजन देनी है, वहाँ तुरंत इमीडिएटली पेशेंट को वहाँ इंट्यूबेट करना पड़ सकता है ऑक्सीजन तो क्या। सो दोनों डिफरेंट कंडीशन एंड दोनों में आपको डिफरेंटली ध्यान देना है, डिफरेंटली सोचना है। अगला एमसीक्यू आपके स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे एंड आंसर्स पुट करेंगे क्या राइट आंसर होगा। सो इस क्वेश्चन में बात करें यहां पे क्या लिखा है, क्लाइंट रिसीविंग पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, कंप्लेन ऑफ नोजिया, एक्सेसिव थ्रस्ट एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्डिंग, द नर्स इनिशियली असेस विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट डाटा। सो आप पेशेंट को क्या दे रहे हैं, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन दे रहे हैं, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन की बात करें तो इट इज ए हाइपर ग्लाइसेमिक, हाइपर ग्लाइसेमिक सोल्यूशन, पेरेंटल न्यूट्रिशन जो होता है जिसके अंदर हाई अमाउंट में डेक्सट्रोज होता है, हाई अमाउंट के अंदर आपको ग्लूकोज देखने को मिलता है, हाई अमाउंट में आपका प्रोटीन होता है, हाई अमाउंट में आपको फैट मिलता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, थिक सॉल्यूशन होता है, हाई ऑस्मोलिटी बहुत हाई होती है, और इसको आप यूज करें जब पेशेंट के अंदर और जब हम उसकी बात करें हाइपरग्लाइसेमिक की तो वहां पे कंप्लेन ऑफ नोजिया, एक्सेसिव थ्रस्ट एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्डिंग, द नर्स इनिशियली असेस विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट डाटा, रेक्टल टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कब बढ़ेगा, वो बढ़ेगा जब पेशेंट में इन्फेक्शन हो जाएगा।
सीरम पोटेशियम लेवल कोई जरूरत नहीं है, यूरिया नाइट्रोजन जरूरत नहीं है, हमें क्या चेक करना है पेशेंट में, ब्लड ग्लूकोज लेवल, कि भाई आपने पेशेंट को हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया है, और हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया है तो उसकी वजह से आपको ग्लूकोज लेवल पेशेंट का फ्रिक्वेंटली क्या करना है, चेक करना है। फ्रिक्वेंटली पेशेंट का शुगर चेक करते रहना है आपको, कि पेशेंट का ग्लूकोज प्रॉपर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल एडिक्वेट है या नहीं है, वो आपको असेस करना है पेशेंट में। सो यू शुड असेस द पेशेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल यू शुड असेस इन द पेशेंट, सी इज द राइट आंसर। नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर योर अपकमिंग नो सेट ऑफलाइन बैच। सो ऑफलाइन बैच जो हमारे JINC जोधपुर भगत की कोठी में स्टार्ट होने जा रहा है, आप उस ऑफलाइन बैच का पार्ट बन सकते हैं। इन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर की तरह आप भी JINC जोधपुर के अंदर ऑफलाइन स्टडीज का एंजॉय कर सकते हैं। नोर सेट 6 और 7 की तैयारी को आदि से तैयारी स्टार्ट करें। ऑफलाइन बैचेस, नया ऑफलाइन बैच स्टार्टिंग फ्रॉम द 11th of October 2023, आपका नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 11th October 2023 से, और इस बैच के लिए आपकी जो फीस है वो है 29,500 rupees ओनली। यू जस्ट गो ऑन द फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप, और आप क्या करें 9636032691 पे ये पेमेंट करके, 1,000 रुपये पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो आपकी फीस के अंदर माइनस कर दिया जाएगा बाद में, और आप इस ऑफलाइन बैच को आज ही ज्वाइन करें, इसका पूरा एंजॉय कर सकते हैं। सो ये बैच बाई करें और ऑफलाइन स्टडीज को एंजॉय करें, और आने वाला अपना जो नोट सेट है वो क्या करें, शॉर्ट सिलेक्शन के साथ अचीव करें। मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ के साथ। अगला MCQ आपके स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे एंड आंसर्स पुट करेंगे क्या राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ ऑन योर स्क्रीन, और रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड गिव द आंसर व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे और आंसर्स पुट करेंगे क्या करेक्ट आंसर होगा और उसमें क्या लिखा है उसको समझेंगे। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, द नर्स प्लान विच ऑफ द दीज मेजर्स टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम। कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम दिस मेडिकल कंडीशन, मॉनिटर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, एनक्रेजिंग डेली जोगिंग, मॉनिटरिंग एफिनेफ्रिन लेवल एंड एनक्रेजिंग विजिट फ्रॉम फ्रेंड। क्या करोगे आप इस पेशेंट में जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो जब हम बात करते हैं कुशिंग सिंड्रोम की, कुशिंग सिंड्रोम की बात करते हैं, इट इज़ द डिसऑर्डर जब हम बात करेंगे आपकी बॉडी के अंदर जो आपके वेरियस कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोडक्शन होता है एड्रेनल ग्लैंड के थ्रू, उनका लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल आपको मिलता है। इन केस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इट विल इंक्रीज द इंक्रीज लेवल ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड। जब कोर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी में कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलता है, दैट विल गिव यू अ डिजीज विच नॉन एज द कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर आपको यहाँ पे हाई लेवल ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड देखने को मिलता है। नाउ जब आपकी बॉडी में कुशिंग सिंड्रोम होता है, याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है
कुसिंग के अंदर आप देखोगे तो पहला वर्ड आता है सी यू। सी यू का मतलब होता है कट। सी यू का मतलब क्या है? कट, कट डाउन करना है। कट डाउन किसको करना है? कट डाउन करना है जो ज्यादा है। क्या ज्यादा है? कोर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल ज्यादा है, इसलिए उसको क्या करना है? कट डाउन करना है। दैट इज द कुसिंग सिंड्रोम। एंड जब हम बात करते हैं एडिसन डिजीज की, एडिसन डिजीज की, एडिसन के अंदर आप देखोगे तो यहां आता है एड करना है। एडिसन में क्या करना है आपको? एड करना है। क्या एड करना है? जो कम है। क्या कम होता है? आपके सारे के सारे हॉर्मोन्स जो हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड, उनका लेवल कम होता है एडिसन में, इसलिए उसमें एड करना है। तो जिसमें कट करना है वो होता है कुसिंग सिंड्रोम। और कट किसको करना है? कोर्टिकोस्टेरॉइड को कम करना है। क्यों कम करना है? क्योंकि उसका लेवल ज्यादा है। और जब हम बात करें यहाँ पे, जब हम बात करें यहाँ पे आपके पेशेंट के अंदर एडिसन डिजीज हो गई, मतलब एडिसन में क्या है? एडिसन के अंदर ज्यादा है या कम है, तो नाम में ही लिखा हुआ है। एडिसन मतलब एड करना, एड करना है मतलब कम है इसमें, इसलिए आपको क्या करना है? ऊपर से एड करना है। याद रखना सिंपली। सो कोर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल जब ज्यादा होता है तो ये आपकी बॉडी के अंदर, आपने नॉर्मली भी पढ़ा होगा कि जब हम पेशेंट को स्टीरोइड थेरेपी देते हैं तो स्टीरोइड थेरेपी के साथ साथ आपको पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग करना होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टीरोइड क्या कराते हैं? इंसुलिन का रेजिस्टेंस करवा देते हैं। स्टीरोइड क्या कराते हैं? इंसुलिन का रेजिस्टेंस कराते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी कोर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल ज़्यादा है और इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाएगा तो आपके पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया आपको देखने को मिलेगा। और इसी वजह से आपको इस पेशेंट में मॉनिटरिंग क्या करना है? आंसर होगा ए, मॉनिटर द ग्लूकोज लेवल, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया टू द पेशेंट। पेशेंट में क्या कर सकता है? ये हाइपरग्लाइसीमिया कोज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है महावीर मीणा जी, आप बिल्कुल लिख रहे हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सो बिल्कुल मंजिल जरूर मिलेगी और उसके मिलने का मजा बिल्कुल आएगा और हम वो बिल्कुल आपको दिला के रहेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, यू शुड मॉनिटर द ग्लूकोज लेवल, दैट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। सो आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू, अगला एमसीक्यू की बात करते हैं और उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है और क्या राइट आंसर होगा। अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगला एमसीक्यू आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट एमसीक्यू जिसको आप पढ़ेंगे और आंसर पुट करेंगे क्या करेक्ट आंसर होगा। कुसिंग ट्राइड हम पढ़ते हैं आईसीपी के अंदर, इंक्रीज आईसीपी के अंदर आप पढ़ते हैं कुसिंग ट्राइड, जहां पे 3 सिम्टम हम पढ़ते हैं इंक्रीज आईसीपी के अंदर, इंक्रीज आईसीपी जहां पे हम बात करते हैं। राइट आंसर इज ऑक्सीजन, प्रियंका यादव, द राइट आंसर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन होगा, चेंज कर रहे हैं कोई बात नहीं। So, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है और क्या इसका आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन क्या लिखा है उसको समझे, आंसर्स दे जल्दी से और राइट आंसर क्या होगा पुट करें। अ फिजिशियन इज परफॉर्मिंग इनडायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द लैरिंग्स ऑन ए क्लाइंट टू असेस द फंक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड, द नर्स टेल द क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग
ड्यूरिंग द प्रोसीजर। आप पेशेंट का इनडायरेक्टली विजुअलाइजेशन ऑफ लैरिंग्स कर रहे हैं, यानी आप लेरिंगोस्कोपी विजुअलाइजेशन ऑफ लेरिंग्स यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, और आप यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वोकल कोड का फंक्शन असेस कर रहे हैं। सो टेल टू द क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग, पेशेंट को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि आप स्वेलो करें, बोलेंगे होल्ड द ब्रीथ, ब्रीथ नॉर्मली, और रोल द टंग टू द बेक ऑफ द माउथ, क्या करने के लिए बोलेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, हम पेशेंट के वोकल कोड के फंक्शन को असेस कर रहे हैं, और वोकल कोड का फंक्शन कब पता चलेगा भाई, वोकल कोड का फंक्शन आपको चेक करना है, तो वोकल कोड जो नॉर्मल काम कर रहा है वैसा करते रहे, फिर हम उसको देखते रहेंगे कि उसका फंक्शन नॉर्मल है या नहीं है। अगर आप उसमें कुछ अबनॉर्मलिटी करवाएंगे कि ऐसा करो वैसा करो, तो उसका फंक्शन आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको यहाँ पे वोकल कोड का नॉर्मल वर्क करवाना, जिससे आपको पता चले कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, नॉर्मली कर रहा कि नहीं कर रहा है। अगर आप स्वेलोविंग कराएंगे तो वोकल कोड साइड में हो जाएंगे या बंद हो जाएगा, एपिग्लोटिस जो है ग्लोटिस को कवर कर देगा और वोकल कोड विजिबल नहीं होंगे, आप पता नहीं लगा पाएंगे, सो स्वेलोविंग नहीं होगा। प्रियंका यादव, क्यों स्वेलो कराएंगे, ये आपका होता है ट्रेकिया, ये आपका होता है इसोफेगस, ये होता है आपका लैरिंग्स, और इसके अंदर होते हैं आपके ये वोकल कोड, हमें इन वोकल कोड को देखना है, यहाँ पे एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जब पर्सन स्वेलो करता है तो ये लिप लाइक स्ट्रक्चर इसको कवर कर देती है, और वोकल कोड जब ऐसे कवर हो जाएंगे और आप उसको देखेंगे तो कैसे उसका फंक्शन आपको विजिबल होगा। स्वेलोविंग में सारा फूट जाता है, इसोफेगस में उस टाइम वोकल कोड कवर, वोकल कोड कवर हो जाएगा तो कैसे आपको दिखेगा कि भाई ये फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वोकल कोड तो होता है ट्रेकिया में, स्वेलोविंग होती है इसोफेगस में, ट्रेकिया कवर हो गया तो कैसे पता चलेगा वोकल कोड इज वर्किंग और नॉट। सो ये वोकल कोड काम नहीं करेगा। ब्रीथ को होल्ड करके रखना है, ब्रीथ आप होल्ड करके रखोगे तो कोई वोकल कोड में मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि एयर अप डाउन नहीं होगी तो वोकल कोड में मूवमेंट नहीं होगा, और ये नहीं करना है। टंग को जब आप पीछे की तरफ ले जाओगे तो ये टंग वोकल कोड को कवर कर देगी और ये भी पता नहीं चलेगा। सो राइट ट्रांसफर क्या होगा, नॉर्मली ब्रीथ करते रहें और आप यहाँ पे चेक करते रहें। ई साउंड हम प्रोनाउंस कराते हैं जब हम पेशेंट के लैरिंग्स का जो है मोबिलिटी चेक करते हैं, मोबिलिटी ऑफ द लैरिंग्स आप चेक करते हैं, तो पेशेंट में बोलना है ई, तो लैरिंग्स का मोबिलिटी आपको वहाँ पता चलेगा ई साउंड के साथ में। सो यू हैव टू चेक द मोबिलिटी ऑफ द लैरिंग्स, जब हम लैरिंजल कैंसर के अंदर लैरिंगोस्कोपी करते हैं तब ई साउंड आप प्रोड्यूस करवाते हैं। सो राइट ट्रांसफर क्या हो गया यहाँ पे, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज सी इज द राइट आंसर, ब्रीथ नॉर्मली, सी इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे आप अधिकतर ने सी आंसर दिया था, जिनका आंसर राइट है, बाकी जिन्होंने सी नहीं दिया उनका गलत है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ आगे। सो बिल्कुल एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है आपका, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, और मेहनत भी आप बहुत शिद्दत से कर रहे हो, इसीलिए कुछ गलत नहीं होने वाला है, कुछ भी मिस्टेक नहीं होने वाला है, डोंट वरी, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बिल्कुल आने वाला एग्ज़ाम आपका है और हम बिल्कुल श्योर सिलेक्शन लेके रहेंगे। आज के इस धमाकेदार सेशन की यहीं पे एंड करते हैं, और कल फिर मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार सेशन के साथ में। तो बने रहें JINC नर्सिंग के साथ में, JINC ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, और याद रखें सिर्फ YouTube के भरोसे सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, उन सारे यूट्यूबर से पूछ लें कितने सिलेक्शन किए हैं आज दिन तक, पता चल जाएगा। सो बिल्कुल याद रखें, और फिर मुलाकात करेंगे कल इसी तरह के धमाकेदार MCQ के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।